शास्त्री जैसे नेताओं को जिन्होंने जय हिंद जय जवान और जय हिंद का जय किसान का नारा दिया। सलामी मंच के सामने हरियाणा पुलिस की पुस्तक टुकड़ी तीनों तीन के कालम में आगे बढ़ती हुई इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है PSI श्री तेजपाल जी। जोरदार तालियों से सभी टुकड़ियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जिले में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर राष्ट्रधुन के साथ ध्वजारोहण किया। परिवहन मंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। जिसका नेतृत्व कर रही स्वतंत्र सेनानियों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने शॉल भेंट करके उनका सम्मान किया है। ये हम सब का सौभाग्य है। ऐसे में बांधता है हमारा भारत अपना गौरव को दर्शाता हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्र भारत का प्रतीक है। आज हम सभी उन जवानों के जज्बों को सलाम करते हैं जो शरीर को कपकपा देने वाली हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। सलामी मंच के सामने गुजरती हुई हरियाणा पुलिस की प्रथम टुकड़ी, सलामी मंच के सामने हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी, इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर मैडम वनी। विषम से विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हरियाणा होमगार्ड की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई और इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री सुनील कुमार। सलामी मंच के सामने NCC सीनियर विंग SD कॉलेज पलवल के छात्रों टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर कैडेट सौरभ। सलामी मंच के सामने NCC सीनियर विंग गवर्नमेंट IIT पलवल के छात्रों टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर नरेश कुमार। NCC सीनियर डिवीजन गर्ल्स SD कॉलेज पलवल इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है सीनियर कैडेट रजनी। एकता भाईचारे के संदेश देती हुई NCC सीनियर डिवीजन गर्ल्स डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पलवल, NCC जूनियर डिवीजन गर्ल्स राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल शहर की छात्राओं टोड़ी इस टोड़ी का नेतृत्व कर रही है कुमारी नेहा। देश की सेना में आजीविका के अवसर पैदा करने का संदेश देती हुई NCC नेवल जूनियर डिवीजन गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल के छात्राओं टोड़ी इस टोड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन देव सहरावत। भारत स्काउट्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल इस टोड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर राजेश। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और झांकियां भी निकाली गईं। पहले परिवहन मंत्री ने स्टेडियम के समीप ही बने शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को न्याय स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला है। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माता के सदस्यों को भी नमन किया। मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। समानता अधिकार मिलता है आज इसी अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शहीद संविधान और सभा के तमाम सदस्य को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान और लंबी गौरव गाथा से जुड़ी हुई है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऊधम सिंह अनेक स्वतंत्र सेनानियों का लंबा संबंध किया है। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की नौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी
के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपना शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। 5 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार से आईटी में ब्लास्ट में शहीद होने वाले अवगत राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। युद्ध अथवा आतंकवाद में मुठभेड़ में किसी भी अन्य घटना के दौरान घायल सैनिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के अनुग्रह राशि निष्कर्षण के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई। हमने उन शहीदों के 365 आश्रय सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास कराने के प्रयासरत है। राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन सुशासन के पथ पर चलने के लिए हमने कई अनूठी पहल की हैं। प्रदेश में हरियाणा के उसके घर के द्वार ही सरकार योजना सेवाओं को लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों में की योजनाओं को सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवार के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर आज तक लगभग 72 लाख परिवारों को पंजीकरण हो चुका है।